हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर प्राइस राइज होगा तो डिमांड जो है वो फॉल होगा, अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। तो इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें कहीं से भी दोस्ती नहीं होती है, ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कितनी मात्रा में कम होती है, कितनी परसेंटेज में कम होती है। जैसे कि हम कुछ आइटम्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राइस हो गया। तो राइस जो हो गया ये एक नेसेसरी है, एक नेसेसरी कमोडिटी। तो मानिए कि इसका प्राइस 10 रुपए से 50 रुपए हो गया, तो क्या इसके डिमांड को हम चेंज कर देंगे इतने ही प्रतिशत में? नहीं, क्योंकि हम या तो हमें चावल चाहिए या फिर हमें आटा चाहिए, ठीक है। अगर चावल और आटे के भाव में अगर कोई भी चेंज होता है तो हम इसका डिमांड कहीं से भी कम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अति आवश्यक वस्तु है और उसके बिना हम नहीं जी सकते। वैसे ही हम पानी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। पानी जो है ये किस में आता है? अति आवश्यक वस्तु में। पानी का अगर मानिए कि दाम बढ़ भी जाता है तो हम पानी का डिमांड कम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन है, आपने सोचा है कि मोबाइल फ़ोन हम इस बार दिवाली में खरीदेंगे, लेकिन किसी वजह से मोबाइल फ़ोन का दाम बढ़ जाता है और मोबाइल फ़ोन का दाम बढ़ने के बाद आप अपना डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं कि हम इस दिवाली में नहीं लेंगे, हम अगले दिवाली में लेंगे, ठीक है। तो ये मोबाइल जो हो गया ये विलासिता की वस्तु हो गई, ठीक है, ये हो गया लग्जरी गुड। जबकि राइस और व्हीट जो है ये क्या हो गया? ये हो गया नेसेसरी, ठीक है, ये अति आवश्यक वस्तु हो गया और ये लग्जरी हो गया। तो हम लोग नेसेसरीज पे अगर उसका दाम बढ़े भी तो हम लोग उस पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लग्जरी पे हम लोग डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं और हम लोग उस वस्तु को नहीं लेते हैं। तो मांग की लोच क्या है? किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में भी प्रतिशत परिवर्तन, मांग की प्रतिशत परिवर्तन और कीमत की भी प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं, मांग की कीमत लोच, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको हम लोग डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100 बाई डेल पी बाई पी इंटू 100 करेंगे, और इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल पी। तो यहाँ पे डेल पी क्या है? वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, और डेल क्यू क्या है? वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। देखते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन में हम इसको डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100 करते हैं, तो जो क्यू टू है वो कितना होगा? 12 होगा, और क्यू वन कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। तो इसे अगर हम इसको अगर हम ये करते हैं बाई 15 करते हैं इंटू 100 करते हैं तो ये आता है -20। वैसे ही बाजार कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इसमें डेल पी बाई पी है इंटू 100, तो इसका जब हम वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं तो ये हो जाता है 7-5/5 इंटू 100, तो इसका रिजल्ट होता है 40। अब हम लोगों ने पहले देखा है कि मांग की कीमत लोच जो है वो है डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100 बाई डेल पी बाई पी इंटू 100। तो जब हम इसका वैल्यू जब बैठाते हैं -20/40 जब करते हैं तो ये होता है 0.5 है,
यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0.5 है, यानी कि ये 1 से कम है, ठीक है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होता है तो ये क्या होता है, बेलोचदार, ठीक है, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड होता है जब ये 1 से कम होता है। तो मांग लोच के जो प्रकार हैं वो 1 से कम भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और इक्वल टू इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो अब आइए इस चीज़ को हम देखते हैं, इकाई से कम मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, तो ये जरूरी वस्तुओं के लिए होता है, जैसे कि नमक हो गया, तेल हो गया और चावल हो गया, तो ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए, और इसका हम कटौती नहीं कर सकते, चाहे इसका दाम जितना भी बढ़ जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों की हम कटौती नहीं कर सकते। तो इसका हम देखते हैं कि इसका डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है, इसका स्लोप बहुत ही अधिक होता है, जैसे कि हम लोगों ने इधर प्राइस लिया है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, तो इसका जब इतना प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना है, मानिए कि इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो ये पी से पी वन हो गया। अब पी वन होने के बाद इसका आप देखिए कि इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना है, ये हो गया क्यू वन, ठीक है। तो जब प्राइस जब इतना मात्रा में बढ़ता है तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बस इतना ही कम होता है, यानी कि इन सारे वस्तुओं की मांग को हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, इसका स्लोप अधिक होता है। और इलास्टिसिटी हम किसे कहते हैं, जैसे कि लोच जो होता है, मानिए कि जो रबड़ होता है वो कितना लोचदार होता है, ठीक है, उसे हम फैला सकते हैं और उसे जब छोड़ देंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो इकाई से जो कम मांग लोच होता है उसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही कम लोच होता है। दूसरा है इकाई से ज़्यादा मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, तो कुछ विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जब हमारी इनकम एक सीमा से जब अधिक हो जाती है तो हम अपने सबसे पहले अपनी जो नेसेसरी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम खरीदते हैं, और उससे जो पैसे बच जाते हैं और हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, तब हम इन सारी वस्तुओं के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, मोबाइल हो गया, कार हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, तो हम इन सारी वस्तुओं के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये विलासिता की वस्तुएं हो गई। तो मानो कि अगर इनका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम अपने डिमांड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितनी कि नेसेसरी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, तो हम इनका डिमांड जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, और जब प्राइस थोड़ा कम होता है तब फिर हम इन्हें खरीदते हैं। तो अगर इसके स्लोप के बारे में हम लोग बात करें तो इसका स्लोप जो है वो थोड़ा सा कम इसका ढाल होता है, हम देखते हैं कि प्राइस जब इतना है तो क्वांटिटी डिमांडेड हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, और जब प्राइस जब पी टू हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब बढ़ जाता है, तो हम देखते हैं कि इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना अधिक बढ़ गया है, ठीक है, कितना अधिक कम हो गया है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये यहाँ चला आ रहा है, तो इतना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इतना कम हो गया, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये इलास्टिक डिमांड होता है, ठीक है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी अधिक होती है, इन सारी चीज़ों में इलास्टिसिटी जो है वो अधिक होती है। इकाई के बराबर मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, तो ये इन सारे वस्तुओं में होती है, जैसे कि शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनकी जितनी प्राइस बढ़ती है, ठीक है, जितनी प्राइस बढ़ेगी हम उसकी डिमांड इतनी हम कम कर सकते हैं, तो ये इक्वल टू 1 होता है। जब इसका जो डिमांड का कर्व है ये एक इस तरीके का एक रेखा खींचता है, और मानिए कि जब इसका प्राइस यहाँ है और क्वांटिटी डिमांडेड जब यहाँ है, प्राइस जब हम पी वन करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी जितना प्राइस इंक्रीज हुआ है उतना ही ये क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये इक्वल है, और इन सारी वस्तुओं की दाम जितनी बढ़ती है उतना ही हम इसका डिमांड भी कम कर देते हैं, तो ये इसलिए इक्वल टू 1 होता है। शून्य मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बहुत 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 ज़्यादा
नेसेसरी होती हैं, जैसे कि पानी हो गया, पानी के बिना हम जी नहीं सकते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको दवा की ज़रूरत है, तो दवा को वो कम नहीं कर सकता है। और खाने में हमको जितनी नमक चाहिए तो उतनी नमक हम लेंगे ही, चाहे इसका प्राइस जो है वो कितना भी बढ़ जाए, लेकिन हमें जितना नमक चाहिए उतना नमक हम लेंगे। तो मानिए कि ये ग्राफ है, और इसकी जो डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। और मानिए कि इतना प्राइस है, इतना प्राइस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड इतना करते हैं। अगर मानिए कि इसका प्राइस अगर बढ़ भी गया, अगर ये पी से पी वन हो जाता है, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। और अगर इसका प्राइस अगर कम भी हो जाता है, मानिए कि पी टू हो गया, तो भी क्वांटिटी डिमांडेड इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर मानिए कि पानी का दाम अगर कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे, या फिर दवा का दाम कम हो जाता है तो हम बहुत सारी दवाइयाँ खा लेंगे, या फिर नमक का दाम कम हो जाता है तो हम बहुत सारा नमक सब्जी में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जितनी क्वांटिटी नमक की चाहिए हम उतनी ही क्वांटिटी सब्जी में डालते हैं। तो इसका जो डिमांड होता है वो स्टेगनेंट रहता है, चाहे इसकी प्राइस कितनी भी चली जाए। तो इसलिए ये इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल टू जीरो होती है। पांचवा और लास्ट है हमारा अनंत मांग लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कुछ वस्तुएं जो होती हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट तय करती है, और चाहे इसका डिमांड कितना भी बढ़ जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके डिमांड को देखते हुए, अगर इसका डिमांड अगर बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट इसकी प्राइस नहीं बढ़ाती है, और ना ही प्राइस इसकी कम करती है। तो इसका जो ग्राफ होता है, तो इसका डिमांड कर्व जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। मानिए कि इसका क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ रहा है, मानिए कि ये क्यू से अगर ये क्यू वन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर डिमांड कम भी हो जाता है, मानिए कि ये क्यू टू हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार तय करती है, और इन सारी वस्तुओं का जो प्राइस है वो डिमांड के हिसाब से नहीं बढ़ता है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और क्लिक कीजिए बेल आइकन को।